हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में, नए ब्लॉग में और नई जगह पे। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ भिवंडी में। अभी मैं चल रहा हूँ भिवंडी में, लेकिन भिवंडी का ये एक एरिया है जिसको बोलते हैं धमन नाका। तो हम आज भिवंडी के धमन नाके को एक्सपोज करेंगे, देखेंगे और बताने की आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं भिवंडी के धमन नाके पे और आप देख सकते हो ये है धमन नाके का एरिया। और आज 15 अगस्त की छुट्टी है, इसलिए जनता यानी कि पब्लिक रोड पे कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ नई चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ की मार्केट है जो बिल्कुल सुनसान है, सुनी पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे सुबह का टाइम है। सुबह मतलब दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर में पब्लिक आपको नज़र नहीं आ रही। कारण ये है कि आज 15 अगस्त है और छुट्टी का दिन है, तो शायद पब्लिक लेट निकलेगी यहाँ पे, लेकिन मैं निकल चुका हूँ कैमरा को लेके आपके लिए और आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह शायद तोड़ा गया है या गिर गई है, ये मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग को गिराया गया है, बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और यहाँ पे देखिए, सारा जो कचरा है, सारी जो मट्टी ईंट रेती, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही साथ इसको खुदाई का काम चल रहा है, जो कि ट्रकों में भर भर के लेके जाते हैं और किसी जगह पे जाके फेंक देते हैं। और इसके ही बाजू में देखिए, ये बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकान है, जो कि यहाँ पे फर्नीचर की दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। और हम चल रहे हैं रोड के ऊपर। देखिए दोस्तों, बिल्डिंग के कलर देखिए आप, बिल्कुल ब्लैक कलर है और काली काली बिल्कुल बिल्डिंग। ऐसे लगता है कि वर्षों से यहाँ पे कलर नहीं किया होगा। ये एक रास्ता यहाँ से जाता है अंदर, लेकिन ये रास्ता किधर जाता है मुझे पता नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और ये एक होटल है जो शुद्ध शाकाहारी होटल शारिका, बहुत शायद यहाँ की एक फेमस होटल होगी, लेकिन हमने नाश्ता वगैरह कर चुके हैं इसलिए होटल के अंदर हम नहीं जाएंगे। और हम सीधा सीधा चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ का स्लम एरिया जो मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन स्लम एरिया शायद मैं ऐसी जगह आ गया हूँ धमन नाके पे कि स्लम एरिया मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, ये पूरा मार्केट है और यहाँ पे सब फर्नीचर की दुकानें। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे फर्नीचर की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें तो है, लेकिन उसके अंदर में काम करने वाला लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने पहले बताया हूँ जैसे कि आप जो काम आज इसलिए भी नहीं है कस्टमर, क्योंकि आज यहाँ पे आज हमारे देश का स्वतंत्र दिवस है और लोग छुट्टी पे हैं, इसीलिए एक रोड देखिए यहाँ से जा रहा है, पता नहीं ये रोड कहाँ जाएगा। एक मंदिर है देखिए यहाँ पे, मंदिर है यहाँ पे, बाजू में रास्ता है और बड़ी बड़ी सब दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सब दुकानें आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ धमन नाके में, और आप यकीन मानिए कि धमन नाका बिल्कुल शांत एरिया है। और यहाँ पे मैं आपको बतला दूँ, यहाँ पे देखने के अंदर में तो बिल्कुल शांत एरिया है, यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाने जैसा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन होटलें यहाँ पे
और फर्नीचर की दुकानें, कपड़े की दुकानें, सब यही सब ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब रिटेल दुकानें हैं। अगर कुछ होलसेल वगैरह होता तो मैं उसमें जाके अंदर दिखाने की कोशिश करता, लेकिन होलसेल की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ देखो, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। और ये है भिवंडी, और मुझे अब आगे जाने के बाद आगे जाके मुझे कुछ वीडियो क्या बनाऊं और क्या दिखाऊं आपको सोच रहा हूं मैं। कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मैं आपको कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखा सकूं, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। इसलिए आज मोड कुछ अलग सा लग रहा है, यानी कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं आपको, क्या दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर की दुकानें, कपड़े की दुकानें, और ज़्यादातर यहाँ पे यही है, और पब्लिक रोड पे नहीं है, दुकानों पे कस्टमर्स नहीं है, और रोड बिल्कुल सूना और सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अमन नाका मुझे बताया गया था कि यार अमन नाके के अंदर में बहुत सारी होलसेल मार्केट है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो आपको एक होलसेल मार्केट का टूर करा दूँ, विजिट करा दूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। याद किया, हो सकता है मैं यहाँ पे पता करता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि कहाँ पे है, क्या है, फिर उसके बाद देखिए ट्रकें सब खड़ी है। ये कुछ सरकारी ऑफिस है जो कि आज के दिन ये बिल्कुल बंद है, और अंदर सब दुकानें, बैंक और यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ यहाँ पे देखने के लिए है नहीं। और जैसे कुछ नया देखने को मिले ना तो मैं आपको बताऊँ, और मुझे बताने में भी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आया, और आपको भी देखने में मज़ा आया, लेकिन कुछ नया ऐसा देखने को हमको मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं लोगों से पूछता हूँ और यहाँ की होलसेल मार्केट या तो यहाँ का स्लम एरिया या तो यहाँ के कारखाने एरिया की वीडियो को शूट करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जूस की दुकान देखिए, मौसमी की दुकान है, जूस की दुकान है यहाँ पे।